जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग रेलवे वीडियो में। और एक अच्छी खबर यहाँ पर जो है वो निकल कर के आ रही है कि IITTC 2023 की मीटिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा जो गौर किया जाएगा वो गौर किया जाने वाला है उदयपुर असरवा सेक्शन के ऊपर, हिसार की डिमांड्स को लेकर के, जोधपुर की डिमांड्स को लेकर के, साथ ही दिल्ली अलवर रेवाड़ी सेक्शन को लेकर के। और इसी को आगे कंटिन्यू करें तो अहमदाबाद तक वाया अजमेर आबू रोड सेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर भी पश्चिमी गुजरात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि कालूपुर रेलवे स्टेशन पे रिमॉडलिंग की वजह से जो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा तो ट्रेनों का एक्सटेंशन, साथ ही डाइवर्जन को लेकर के भी यहाँ पर कई बातें जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं। इसीलिए दिल थाम के बैठना है हम लोगों को। और जो और इसकी जो मीटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है जून 2023 के अंदर आखिरी तक जो है इसकी मीटिंग यहाँ पर शुरू की जा सकती है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछली मीटिंग जो है वो बेंगलोर में हुई थी और 2 दिन की वो मीटिंग थी, और अब जो है वो भी शायद हो सकता है कि 2 दिन की ही मीटिंग हो और किसी भी सिटी में उस मीटिंग को यहाँ पर किया जा सकता है। IITTC के लिए मांगों का जो लेटर है वो उसकी आखिरी तारीख यहाँ पर 31 अप्रैल रखी गई है। 31 अप्रैल तक यदि IITTC की जो डिमांड हैं वो पहुंच जाती हैं IITTC मेंबर्स को या ZLCC मेंबर्स तक ये मांगे पहुंचा दी जाती हैं और वो आगे लेकर के IITTC मीटिंग में रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें होंगी। इसीलिए जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी गई हैं। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रह गया है और रेल समितियों से जो है इस चीज़ के बारे में अध्यक्ष लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ट्रेनों का जो संचालन है उनके सेक्शन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जैसे कि श्रीधाम एक्सप्रेस का विस्तार जो है वो अब यहाँ पर एक अहम मुद्दा बन जाएगा श्रीगंगानगर तक एक्सटेंशन को लेकर के, तो इसी तरीके से और भी जो मांगे हैं वो यहाँ पर निकल करके आने वाली है। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने वाला है हिसार जोधपुर सेक्शन को लेकर के, क्योंकि इन दोनों ही सेक्शन में जो पिछली बार मांगे हैं वो बिल्कुल भी पूरी नहीं की गई थी। इसलिए इस बार उम्मीद यही लगाई जाएगी कि हो सकता है इस बार मांगे जो हैं वो पूरी कर दी जाए। फिलहाल जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं, डिमांड्स को लेकर के, ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों के नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स होती हैं उनको लेकर के तैयारी शुरू हो गई हैं। और धीरे धीरे जो है अब मैं इन मांगों को लेकर के जो है पब्लिकली सामने लेकर के आऊँगा ट्रेनों की मांगों को, ताकि लोगों को भी मालूम चले कि आखिर कौन सी ट्रेन का जो संचालन है उनके सेक्शन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और उनकी समितियाँ जो है वो कौन कौन सी ट्रेनों को लेकर के अपडेट मांग रही हैं। फिलहाल उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस जो हैं IITTC में अगर आप पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियोस के माध्यम से जो है ZLCC मेंबर्स तक ये वीडियोस जो है वो पहुंचती है, इतना मुझे भी मालूम है, तो आप लोग भी जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि मैं वीडियोज़ में आपकी डिमांड्स को लेकर के आ सकता हूं। और इंस्टाग्राम या ट्विटर के मैसेज बॉक्स में आप मुझे टाइम टेबल भी बना करके दे सकते हैं इमेजिनरी वाला। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।